किसी भी पशु के शरीर पर अगर कीड़ा या भोड़ीला लग गया हो, आज हमारे बताए हुए नुस्खे से वह जड़ से खत्म हो जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं नरेंद्र मौर्य, आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के बीच में बहुत ही खतरनाक केस लेकर आए हैं। वह है शरीर के बच्चे के बछुआ के बछड़ा के कान के पर्दे पर कीड़ा लग चुका है और भोड़ीला से पूरा एकदम खून से लथपथ कर चुका है, भोड़ीला अंदर घुसा जा रहा है। आज हम आप लोगों के सामने देसी नुस्खा से, देसी इलाज से आज हम इसको स्वस्थ करेंगे, इसका आज हम ट्रीटमेंट करेंगे और यह 2 रोज में स्वस्थ हो जाएगा। वह नुस्खा है मित्रों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे बच्चे को दिखाइए, एक कान में कीड़ा लग चुका है, देखिए एकदम कीड़ा से एकदम खून से लथपथ हो चुका है, ये सब कीड़ा घुसे चले जा रहे हैं अंदर और एकदम सड़ा चुके हैं। के पत्ता पानी में खूब उबाल लेना है, इसको खूब पका लेना है, 1 किलो पानी पक कर 1 पाव रह जाए उससे नीम के पत्ते से कान को कीड़े के स्थान को धो लेना है। अगर नीम का पत्ता जिस भाई के पास नगर न हो, वो फिटकरी पानी, फिटकरी भी व्यवस्था न हो तो बबूल की छाल को 1 किलो पानी में पकाकर 1 पाव रह जाए उससे धो दे। धोने के बाद क्या करना है कि पेट्रोल से सिरिंज में 5 ml सिरिंज से भरकर और उसके कीड़े वाले स्थान पर सुखाकर कीड़े वाले स्थान पर पेट्रोल से उसको सिरिंज से अंदर धो दे। जब ऐसे सिरिंज से मारेंगे तो वह एकदम सूख जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, सारे कीड़े मर जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, गाय का शुद्ध देसी घी में कपूर मिक्स करके उसका मलहम बनाकर रुई में लपेट कर उसके कान के छेद में, मतलब जहां भी कीड़ा घुसा हुआ है, जहां पर खत हो चुका है, वहां पर आप भर दीजिए और वहां बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। हम चल रहे हैं बच्चे का ट्रीटमेंट करने। एकदम सड़ा चुका है, इसमें कौवा के खोद देने से इनका खून इतना मीठा होता है कि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और आप ऐसे ही बिना दर्द किए, बिना निडर एकदम इसको साफ करना है ताकि अंदर तक का कीड़ा बाहर आ जाए। और यहाँ पर इतना बढ़िया से साफ करना है कि अगल बगल कहीं मक्खी न लगे, लेकिन ध्यान रहे आंख वाले जगह पर अगर कहीं कीड़ा लग चुका है बच्चे के आंख वाले जगह पर तो वहां पेट्रोल नहीं डालना है, सिर्फ नीम के पत्ते से ही धो लेना है। और धो लेने के बाद कपूर और गाय का घी नहीं है तो भैंस का भी घी चलेगा, लेकिन मार्केट का ना हो, घर का हो। के बाद कपड़े से बढ़िया से पोछ लेना है, पानी का अंश न रह जाए। हम सिरिंज लाए हुए हैं मार्केट से और पेट्रोल, ध्यान रहे कि पेट्रोल मोबिल न मिला हो, पेट्रोल में मोबिल न मिला हो, बिना मोबिल वाला पेट्रोल। ये पेट्रोल है, किसी सीसी में हम निकाल लिए हैं पेट्रोल और कुछ नहीं है। पकड़े था भाई जी, भाई निकालते होते हैं। हाँ, ऐसे रखे रहिए 2 मिनट में, यह देखिए कि इसको कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल ठंडा पड़ता है, अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े चाल रहे हैं। कल्लू है करे अंदर में, कल भरे दिन मची करो क्या। पूरा डाल डाल दिया, नहीं बा रुक दे। देखिए ऐसे ही भुड़ला, ये दिख रहा है ना,
ये निकल रहा है, ऐसे ही अंदर रहते हैं भैया, आप निडर होकर इसको निकालिएगा। पेट्रोल के डालने से सब बलबल बलबल सब फेंक रहे हैं, देखिए सब अंदर से बाहर आ रहे हैं, ये भी आ रहा है। हेलो, अब हो गया। यह है बाबू कपूर और देसी घी गाय का, ऐसे छोटा छोटा रुई डुबोकर इसके जखम वाले स्थान में आपको भर देना है। लिया लिया भाजी, चले आप पकड़े रहे, आप मान कर चलिए कि यह सर्तिया सारे कीड़े मर जाएंगे और बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा आप सब इतना छेद कर चुके हैं ये, ऐसे ही आप भर दीजिएगा, डरिएगा मत। अब अम्मा ना इधर कर लो, हाँ तो मित्रों ट्रीटमेंट कर चुके हैं, बच्चा दो रोज में स्वस्थ हो जाएगा। और आप लोगों से हम विनती करेंगे कि आप लोग भी हड़बड़ाइएगा मत, डरिएगा मत, कहीं भी कीड़े पड़ गए हो, भुड़िला पड़ गया हो, हाँ, और आप घिनाइएगा मत, खून और मेवाद तो ही है, किसी भी को हो सकता है। तो हम आपसे विनती करेंगे कि बिना डरे निडर होकर इसको नीम के पत्ता से आप धोइए और पेट्रोल डालिए, सिर्फ आंख वाले जगह पर पेट्रोल नहीं डालना है आपको, और घी में मिश्रित कपूर मिक्स करके मलहम बनाकर उसके रूई से उसके पूरे जितना भी गड्ढा कर चुके हैं वहां पर आप भर दीजिएगा, और आपका यह बच्चा हो, गाय हो, भैंस हो, बछड़ी हो, बछड़ा हो, सब स्वस्थ हो जाएंगे। और यह वीडियो हम आपसे विनती करेंगे, अपने हित मित्रों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को, पशुपालकों को, जो छोटे हमारे किसान हैं उनको जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है, वो गाँव में रहने वाले हैं, इसलिए वो भी अपने पशुओं का ऐसा घरेलू उपचार करके और पैसा को भी बचाएं और बिना चिकित्सक के अपने बच्चे को, अपने गाय को स्वस्थ रखें। गायों को कभी कभी जमीन के नीचे भी कीड़े पड़ जाते हैं, उनका कारण है कि कौआ चील या कोई चिड़िया खोद दी, या कहीं कभी कभी अपने ही पैर के नाखूनों से उनका कट जाता है, कहीं दरदरा हो जाता है, तो वहाँ खून इतना मीठा होता है कि वहाँ कीड़े और भुड़िला पड़ जाते हैं। तो उनका आप बिना झिझक के, बिना डरे, बिना घबराए आप यही ट्रीटमेंट कीजिए और सभी के पास शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया आपसे हमारी विनती है, हम चलते हैं अपने वीडियो से, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, ऐसे ही मस्त वीडियो हम आपको लेकर आएंगे, जो ही खतरनाक खतरनाक केस है। तो ठीक।